तो भाई आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2010 में रोड टू रेसलमेनिया, और ये उसका एपिसोड नंबर 3 है भाई। तो जिसने 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो टेंशन की बात नहीं भाई, दोनों एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक एक करके आराम से देख लेना। लेकिन जिसने देख लिया वहां तक और नहीं भी देखा है तो मैं आपको स्टोरी याद दिला देता हूं। तो भाई मिस्टर मैकमैन ने बोल दिया है कि उनको रेसलमेनिया में ब्रांड वॉरफेयर चाहिए, यानी कि उनको स्मैकडाउन वर्सेस रॉ करवाना है रेसलमेनिया में। और रॉ में भाई चैंपियन बने हुए जॉन सीना, स्मैकडाउन में चैंपियन बने हुए ट्रिपल एच। और भाई बिग शो ने रॉ रंबल जीतने के बाद जॉन सीना और ट्रिपल एच दोनों पे अटैक कर दिया और बोला कि भाई उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए ना वो रॉ में रहेंगे ना वो स्मैकडाउन में रहेंगे, वो छोड़कर चले गए भाई ECW में। तो चलो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और तब तक आप लोग का काम है भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, इतना सा करो और शुरू करते हैं। छठा हफ्ता चल रहा है, सिंगल प्लेयर है, चलो ठीक है। जॉन सीना का मैच होने वाला था, जहां तक मुझे लगता है भाई जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन होने वाला था। चलो भाई देख लेते हैं क्या होने वाला है, अभी पता चल ही जाएगा। लास्ट मुझे याद आ रहा है, हाँ भाई इसी टाइम मैंने खत्म किया था, सीना वर्सेस ऑर्टन होने वाला था। हाँ सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन सिंगल्स मैच फॉर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, रोड टू रेसलमेनिया 25 है। देखिए रैंडी ऑर्टन का अटायर कैसा है भाई, इसमें कोई साइड ऑब्जेक्टिव नहीं, ये अच्छी बात है। यार मैंने अभी तक जितने भी मैचेस खेले ना, यहाँ तक कि टैग टीम मैच में भी भाई चैंपियनशिप लाइन पे थी, ठीक है कुछ ज्यादा ही ये लोग चैंपियनशिप लाइन पे लगवा रहे हैं। रैंडी ऑर्टन को बल्कि स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2010 में ज्यादा अच्छा बनाया, ठीक है अगर आप 2K की गेम्स में देखोगे ना, 2K20 में खास करके, तो रैंडी ऑर्टन चिढ़ गए थे भाई कि कैसा उनका फेस बनाया है, जबकि स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2010 में ऑर्टन जैसे लग भी रहे हैं। देखो भाई गौर से देखो, जबकि कितना पुराना गेम है, हंसी भी वैसी ही लग रही है भाई। ऑर्टन आ जाओ, चलो ठीक है ऑर्टन का देख लिया एंट्रेंस, सीना का भी देख लेते हैं, और बिग शो भाई कुछ खुराफात करेंगे मुझे लगता है, अभी ECW के साथ जाके मिल गए हैं बिग शो, तो इसलिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डाउट हो रहा है कि कोई ना कोई खुराफात करने वाला है भाई। वो आगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन From West Newbury, Massachusetts, winning a 240 pound. Raw Rumble complete हो गया है, तो यानी कि WrestleMania आने में भाई ज़्यादा time नहीं बचा है। यार Raw में भी championship defend कर रहा हूँ, ये Road to WrestleMania में मतलब हर दिन championship defend हो रहा है, Raw में भी, SmackDown में भी। SmackDown में बेचारे Triple H defend कर रहे हैं उनका title, और Raw में John Cena defend कर रहे हैं, और सारे अलग-अलग opponents से, किसी से भी एक से लंबी story नहीं चल रही है। अभी तक केन से डिफेंड कर लिया भाई, टैग टीम मैच में भी डिफेंड किया था रैंडी ऑर्टन से। चलो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव नहीं है, चलो ये अच्छी बात है, शुरू किया जाए। ऑर्टन आ जाओ, उठाई का सिलसिला शुरू करते हैं, साइड साइड से स्टाइल भी मारते रहते हैं भाई ऑर्टन। अरे अरे लगा नहीं, लगा नहीं, इसमें कंट्रोल्स का थोड़ा सा इशू हो जाता है क्योंकि मैं रेगुलरली नहीं खेलते रहता हूँ भाई स्मैकडाउन वर्सेस रॉ, पर कोई बात नहीं, एक दो मैचेस के बाद अपने हाथ में आ ही जाता है कंट्रोल। ये तो चलो पहले ही मैच में अच्छा जा रहा है, अरे सामने से निकल गया यार ऑर्टन। ऑर्टन ऐसे गड़बड़ी मत करो भाई, पहले के मैचेस में भाई मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ऐसा रहता था कि एक फिनिशर अगर आपको पड़ा या फिर आपने एक फिनिशर दे दिया तो मैच समझ लो गया। आज के मैचेस जैसा नहीं भाई कि 10-10 फिनिशर खा के भी भाई सामने वाला बंदा खड़ा हो जा रहा है, ना ना ऐसा नहीं है। ऑर्टन इधर आ जाओ भाई, सिग्नेचर खा लेना, गड़बड़ी नहीं करना। अच्छा बिग शो नीचे बैठे हुए हैं, ओ भाई बिग शो देखो, बिग शो नीचे बैठे हुए यार, कुछ ना कुछ 3-5 करेगा ये आदमी भाई। ये तो ECW चले गए थे यार, गुस्से में ECW चले गए थे, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ भाई साहब इनके क्या लेना देना भाई यहाँ पे। ऑर्टन छीनना नहीं फिनिशर, हाँ ऑर्टन ने छीन लिया, जब तक ये लोग 3-4 बार मेरा फिनिशर छीनने न लेते हैं लोग खाना हजम नहीं होता है। ओ नहीं ऑर्टन, अरे नीचे मुझे नहीं भेजना चाहिए था, पता है STF का ऑप्शन आ रहा था पर नीचे STF देके क्या ही फायदा। अच्छा ये पहले ये सिस्टम रहता था कि आपको अगर बैरिकेड के ऊपर मारना है तो राइट जॉयस्टिक से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। यार पहले फंक्शंस बहुत अच्छा बनाता था, अब क्या है कि हर चीज के लिए भाई ग्रैपल बटन दबाओ हर चीज हो जाएगा एक ही साथ, ज्यादा कुछ करने का ऑप्शन देता नहीं अब गेम में। अरे रेफरी
एक तो इनविजिबल होते हाँ नहीं नहीं अरे गलती से मारा सॉरी रेफरी यार इतना भड़कता क्या को है अरे भाई साहब जॉन सीना क्या कर रहे हो भाई डिस्क्वालीफाई होगा जॉन सीना पक्का मेरा मैच जाने वाला है गलती से लगा रेफरी भाई सॉरी रेफरी अब उठेगा कुछ ना कुछ तीन पांच करेगा और जैसे ही रेफरी को मारा भाई इतनी मार पड़ी है ना मुझे रेफरी की मनुष्यत लगी है मुझे रेफरी सॉरी गलती से मारा भाई रेफरी उठ के देखो बोलने लगा ना मुझे डिस्क्वालीफाई मत करना भाई प्लीज भाई बहुत लंबा मैच चला गया है डिस्क्वालीफाई नहीं करना अच्छा रेफरी आंख नोच दी ऑर्टन ने अच्छा इसमें भी देखो भाई कितना मतलब हर चीज के लिए अलग अलग सिस्टम बनाया था पुराने गेम में ऑर्टन चलो सर सिग्नेचर खा लेना चुपचाप से सिग्नेचर चला गया अच्छा आ जाएगा बस एक चीज मुझे ये सब गेम्स में भाई बुरी लगती है कि स्टोर करके फिनिशर नहीं रख सकते हैं दो दो तीन तीन फिनिशर आदमी स्टोर करके नहीं रख सकता है तो बस यही चीज गड़बड़ है एबिलिटी है तो आप यूज कर सकते हो फिनिशर ऑटन को सबमिशन दिया जाएगा ऑटन आना इस बार मत छीना रेफरी हट गया यार सामने से गलती से लग जाता है तुरंत डिस्क्वालीफाई करने पर उतारू हो जाता है स्लो मोशन फिनिशर खत्म किया जाए मैच ऑटन को खींच के लाना होगा पहले वरना रोप ब्रेक होने में देरी नहीं लगती है रेफरी पिनफॉल कर दे भाई गलती से मारा था टू चलो बेल बजाओ अब बेल बजाओ बढ़िया कुछ ना कुछ बिक्षो करेगा भाई बाहर बैठा हुआ है मुझे ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि बिक्षो कुछ नहीं करेंगे 100% मुझे यकीन है कुछ ना कुछ करेगा भाई ये देखते रहो अभी जॉन सीना जीत तो गए सेलिब्रेट भी कर रहे हैं भिक्षु को दिखा दो टाइटल एक बार हाँ भिक्षु खड़े हो गए इनको मजा नहीं आया ओ कल ECW देखने बोला है ये ECW चैंपियन बनने वाले हैं और भाई हाथ से टेबल तोड़ दिया माँ कसम भाई डेंजर आदमी ECW चैंपियन टॉमी ड्रीमर को फेस करने जा रहे हैं ये रॉ रंबल जीतने के बाद एक्स दबाना था ये एक्स दबा दिया मैंने ओ हाँ बच के भाग गए भाई मुझे लग रहा है ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे ठीक है भाई ट्रिपल बेल्ट के लिए हो जाएगा तो मजा नहीं आ जाएगा यार रॉ वर्सेस मैकडॉन वर्सेस ECW ये वाला हो गया तो और मजा आ जाएगा तीन तीन बेल्ट मिलेंगे रेसलमेनिया में पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा टॉमी ड्रीमर जीतने की कोशिश कर रहे हैं पर मुझे लगता है बिक्षो चैंपियन बनने वाले हैं चलो टाटा टॉमी खींच के मारा भाई रेफरी कहाँ है पिनफॉल कौन करेगा अच्छा अब आ गया रेफरी आ गया गिन भाई गिन अच्छा चॉक स्लैम भी देंगे चॉक स्लैम कुछ ज्यादा जोर से आवाज नहीं कर रहा है चलो बिग शो तो बन गए ECW चैंपियन पहले रॉयल रंबल जीतने पे आप रॉ स्मैकडाउन और ECW में से किसी को भी चैलेंज कर सकते थे जैसे कि आप NXT चैंपियन को भी आप चैलेंज कर सकते हो और याद होगा आपको कि लास्ट ईयर यानी कि 2020 में शार्लेट ने चैलेंज किया था रिया रिप्ले को 1,00,000 मार के निकाल दिया अरे यार फॉर्मर चैंपियन है अच्छा ECW को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई साहब We need to fight back against SmackDown, against Raw. Raw और SmackDown के खिलाफ जाने वाले हैं ठीक है And show them we're not just as good as them. We're better. Raw SmackDown से ये लोग बराबर के नहीं बल्कि उनसे ज्यादा अच्छा इन लोगों को दिखाना है ठीक है इनको भी रहना है भाई चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में कौन नहीं है ओ मिज और मॉरिसन We are winners, show, and we know other winners when we see them. We'll stand by your side in this noble quest. Acha. We think Raw and SmackDown are a bunch of wussies anyway. Raw SmackDown ki beizzati kar rahe hain dono. Cena, Triple H, prepare for ECW. Oh, bhai, warning mil gayi hai Cena aur Triple H ko. भाई इन लोग को प्रूफ करना है कि ECW रॉ स्मैकडाउन से ज्यादा बेहतर है ठीक है
और बिग शो ने भाई अपने गैंग में दो आदमी लोगों को भी शामिल करवा लिया, मिज और मॉरिसन को, और ये अब स्मैकडाउन शुरू हो रहा है। शुरू करो। We thank you for tuning in to another edition of SmackDown. I'm Jim Ross. ये अच्छा दिखाता है नहीं कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। ECW में जीत गया था बिग शो। शुरू करो भाई, आज फिर टाइटल डिफेंस होगा, इतना मुझे कंफर्म लग रहा है। ये लोग रॉ स्मैकडाउन में भी टाइटल डिफेंड करवा रहे हैं भाई लोग। वॉर करना है, ठीक है भाई, इन लोगों को वॉर चाहिए, वॉर मिलेगा बिग शो। हाँ हो गया ना भाई, मैंने क्या बोला कि WWE चैंपियनशिप का मैच स्मैकडाउन में होगा, ट्रिपल एच वर्सेस एज हो रहा है। एज जो कि 2K20 में मेरी हालत खराब करके रखते, उन्हीं के साथ मैच है भाई। स्टार्ट किया जाए, सेव कर ले क्या? सेव कर लेते हैं। चलो ऐसे तो ऑटो सेव हो ही जाता है, फिर भी मैं साइड से सेव कर ले रहा हूँ क्योंकि कभी कभी भाई डायरेक्ट ऑफ हो जाता है, इसलिए स्टार्ट किया जाए। और मैं खेल रहा हूँ भाई प्ले स्टेशन 3 यानी PS3 पर। मतलब मैं समझ गया इसमें एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ट्रिपल एच ने बोला है कि बिग शो कुछ 3-5 कर सकते हैं मैच में, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी एच को हराना होगा। कोई ना कोई भाई, मुझे लगता है मीटर के साथ शुरू होगा मैच, 3 मिनट में हराना है। अरे यार ये ऑब्जेक्टिव, टाइम वाला ऑब्जेक्टिव मत दिया करो यार, ये लोग फिनिशर विनिशर छीनने लगते हैं यार। ऐसे ये गोल को फिनिश नहीं करूंगा तो कोई टेंशन नहीं है, पर कुछ ना कुछ अनलॉक होने से रह जाएगा, इसलिए ऑप्शनल गोल भी भाई कंप्लीट करना ही होगा। एज की टी शर्ट अभी वाली टी शर्ट ऐसी नहीं लग रही है जो आजकल पहन के आ रहे हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, कुछ लिखी रहती है टी शर्ट में, क्या लिखा रहा है, पर इसी टाइप की टी शर्ट है, ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में। आ जाओ भाई एज। चलो भाई, सोचा नहीं था कि एज उस टाइम, मतलब इतने पुराने गेम में आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं एज, वो भी टाइटल ही पिक्चर में है एज। आइए भाई चैंपियन, यार हर दिन चैंपियनशिप डिफेंड हो रहा है, एटलीस्ट बिग शो की स्टोरी नहीं है, यानी कि ट्रिपल एच और जॉन सीना ही से खेलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इन दोनों ही की स्टोरी है भाई। इस टाइप की चीज लानी चाहिए यार 2K22 में यार, आप लोग क्या बोलते हो भाई, कमेंट में बताना मुझे कि इस टाइप का रोड टू रेसलमेनिया होना चाहिए कि नहीं। करियर मोड अच्छा है, पर रोड टू रेसलमेनिया ऐसा होना चाहिए। रोड टू रेसलमेनिया क्या रहता था, शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब उतना लंबा नहीं रहता। करियर मोड तो बहुत लंबा रहता है यार, रोड टू रेसलमेनिया शॉर्ट एंड स्वीट, 5-6 स्टोरी रहती है और सब छोटी छोटी रहती है, और डायरेक्ट रेसलमेनिया ही तक की रहती है, ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं रहती है तो। पर ये रहता था कि 5-6 स्टोरी आप खेल सकते हो। करियर मोड भी अच्छा, वो भी रहना चाहिए, उसके अलावा 1-2 भाई रोड टू रेसलमेनिया रहना चाहिए, इमेजिनरी रोड टू रेसलमेनिया। शुरू किया जाए इसको, 3 मिनट के अंदर एज को हराना है, इसमें टाइम नहीं ले सकता हूं मैं। अरे ट्रिपल एच यार गड़बड़ी मत करवाना, कंटिन्यूअसली मारते रहो तो, घुटना मार मार के भाई। अरे रे रे रे, मेरा टाइम नहीं खाना, बताओ टाइम यहाँ बचाना है या और मेरा अच्छा ट्रिपल एच के एक चीज तो अच्छी है भाई, मुझे याद आ गया सिग्नेचर फिनिशर इनका एक साथ दे देता है, तो ये चीज अच्छी है, बस एज मेरा फिनिशर छीने नहीं। चल चल चल, जो करना है जल्दी जल्दी करना है, टाइम नहीं है, 2.5 मिनट बच गया। सिग्नेचर आ गया, वाह चलो मैच खत्म करने का टाइम आ गया है, आ जाओ भाई एज। अरे रे रे रे, सिग्नेचर लगा नहीं, फिर नहीं लगा, ये क्या हो रहा है यार, ट्रिपल एच क्या कर रहे हो भाई, लग क्यों नहीं रहा ओए। अच्छा ट्रिपल एच दौड़ा के भी देते हैं सिग्नेचर, बचा लिया एज ने, टाइम वेस्ट करवा रहे हैं यार मेरा एज, मत ना करो एज यार ऐसे। खत्म हो गया क्या, छीन लिया एज ने सिग्नेचर, बहुत गलत बात है एज, बहुत ज्यादा गलत बात है, मार खाओ, फिर रिवर्स कर दिया यार, कितना टाइम वेस्ट कर रहा है यार ये आदमी। ट्रिपल एच थोड़ा अच्छे से चलो ना भाई, एक तो सिग्नेचर 4 बार देने की कोशिश की, 3 बार पता नहीं लेट क्यों गया ट्रिपल एच, 1.5 मिनट टाइम बच गया है। एज बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, टाइम वेस्ट करवा रहे एज, बस यही सब 3-5 करके ना। अरे ओ रेफरी, रोप ब्रेक हो गया, ये देखो इससे हारूंगा नहीं मैं, पर मेरा टाइम जरूर वेस्ट होगा, बहुत गंदा किया एज ने, पूरा मोमेंटम खत्म कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अरे 1 मिनट 19 सेकंड बचा है, बात तो है,
ट्रिपल एच जलवा दिखा दो, अब नौटंकी का टाइम नहीं है। अरे एज क्या कर रहा भाई रेफरी, हाँ हाँ रेफरी डिस्क्वालीफाई कर दे। एक मिनट टाइम बच गया। ओ भाई टेंशन टाइट हो गई है, टेंशन टाइट हो गई है। अरे एज हार जाना यार, ये फिल्मी मैच बनाना जरूरी है। फिल्मी मैच बन गया भाई, मारका एज सेकंड बच गया भाई। और अब सिग्नेचर लास्ट टाइम में नहीं छीनना चाहिए था पता है। ये देख लो ट्रिपल एच को मैं अच्छा बोल रहा था, ये कहां कहां चले आ रहे हैं। अरे ट्रिपल एच पनौती आदमी फाइनली दे दिया। खत्म करो भाई मैच, खत्म करो, बस सेकंड बच गए, कुछ ही सेकंड। ट्रिपल एच ये घंटा देता है फिनिशर यार, जल्दी 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 खत्म करो। 28 सेकंड बचा है, कसम से बता रहा हूं एकदम। 25 सेकंड फिल्मी मैच, पिनफॉल रेफरी, ये पिनफॉल नहीं ना हुआ तो गया। 1 2 वाह कसम भाई, 18 सेकंड बच गए थे लगा नहीं था, मुझे लगा कि छूट जाएगा। खैर की ट्रिपल एच की सिग्नेचर ने बहुत धोखा दिया, ये लुगड़ के गिर जा रहे थे बताओ यार सिग्नेचर देने में। खैर के ऑप्शनल गोल खत्म हो गया, बिक्षो आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, बिक्षो अपने मिस मॉरिसन को लेके आ सकते हैं। हाँ आ गया मॉरिसन, आ गया मिस भी आ गए हैं और बिग शो भी आएंगे। ECW is attacking the WWE champion. WWE champion को मार रहे हैं मिलके दोनों, ठीक है मार लो। मॉरिसन क्या करने वाला है? These two may have bitten off more than they could chew, messing with. हाँ spine buster पर, अरे हैमर लेके आ गया जॉन मॉरिसन। अरे स्टाइल मारने का टाइम नहीं है ट्रिपल एच, हैमर देख लेना चाहिए था। अब सीना ही कुछ कर सकते, सीना को भी आ जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए मिल गया, नहीं तो स्लेज हैमर से मार मार के भाई ये लोग वाट लगा देंगे ट्रिपल एच की। हैमर उठा लिया यार मिज ने, नहीं 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 टाइटल तोड़ दिया भाई। स्मैकडाउन का टाइटल, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप टूट गई क्या? टूट गई भाई पूरी टाइटल, बहुत गलत किया मिज ने भाई, अब तो कुटाई बनती है। ये क्या है, बोनस अनलॉक हुआ ट्रिपल एच का, डीएक्स कॉस्ट्यूम अनलॉक हो गया है, ठीक है। अरे ये पूरा नहीं करते मैच नहीं हारते, पर मजा नहीं आता फिर, ठीक है मजा आया। 3 मिनट का टाइमर दे दिया था मैच में। सीना के साथ भी कुछ कांड करेगा भाई मिज और मॉरिसन, जब ट्रिपल एच के साथ किया तो सीना के साथ भी करेंगे। Michael Cole along with Jerry the King Lawler. Cena champion to ban gaye the last week, aap dekhen. Are aaj phir title match hai yaar, har hafte match hai title. Every week it's as close to WrestleMania king. Har hafte title match ho raha hai. And everyone wants to be involved. JBL ke sath match hai. Wow. Dekh rahe ho na, har hafte ye log title match karwa rahe hain. Champion versus champion, aadmi champion hi nahi rahega WrestleMania jaate jaate tak. चलो तो JBL के साथ भी मैच कर ही लेते हैं भाई, स्टार्ट किया जाए। बिग शो और इनका भी इंतजार रहेगा, कभी भी आ सकते हैं बिग शो, जॉन मॉरिसन और मिस। जॉन मॉरिसन और मिस बिग शो के चमचे बने हुए हैं। ओ ये तो यहाँ यही लगता है अटैक होने वाला है। अरे मार्क हेनरी क्यों आ गए? Just the man I wanted to see. इनको भी चाहिए क्या मैच? You got it rough these days, Cena. Having to defend your championship almost every week. हाँ हर हफ्ते तो भाई डिफेंड करना पड़ रहा है। I'll beat you so bad, oh. You won't be able to compete tonight. इतना बुरी तरह से मारेंगे ताकि सीना कम्पीट ही नहीं कर पाए। If you could barge in here and actually do that, then I don't deserve to be a champion. हाँ, सीना ने बोल दिया कि अगर तुम इतनी बुरी तरह से मुझे मार सकते हो मेरे लॉकर रूम में घुस के, तो सीना चैंपियन बनना डिजर्व नहीं करते हैं। चलो ठीक है, यानी कि पिटना नहीं इस मैच में, वरना चैंपियनशिप चली जाएगी हाथ से। भाई मेरा फर्स्ट बैकस्टेज ब्रॉल है ये, इससे पहले अभी तक स्पैंडन वर्सेस रॉ 2010 में भाई बैकस्टेज ब्रॉल नहीं किया है। चलो ठीक है, मार्क हेनरी को चैंपियन बनने का है, इतना मार देंगे ताकि चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर पाए सीना। भाई सीना की इज्जत का सवाल है, कूट दो। सीना के लॉकर रूम में घुस के सीना को मारने का प्लान, गिटार, अरे उधर गिटार रखा हुआ है, लेट जाओ। देखिए भाई गिटार उठाने दो, गिटार, अरे गिटार उठाता भी है कि नहीं? हाँ उठाता है, मजा आया। अरे एक ही बार में टूट गया यार, धत तेरी की, बचा लिया। हट, सीना के लॉकर रूम में कोई नहीं आता है, लेट जाओ सर, लेटे रहो, खत्म, क्या अभी बाकी है? अरे इतने ही में
इतने ही में चले गए मार्क हेनरी। अच्छा बैकस्टेज ब्रॉल छोटा होता है ना, एक सिग्नेचर या एक फिनिशर मैच खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑफिशियल मैच तो था नहीं। अब लगता है मुझे भाई डिफेंड भी करना होगा जाके टाइटल JBL से। बिग शो पीछे खड़ा है, अरे रे रे रे, अकेले नहीं आए थे मार। अरे भाई हाथ पकड़, अरे नहीं, माय गुडनेस, अरे भाई साहब, ये तो बाहुबली स्टाइल में मार रहे हैं यार ये। सीना 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 भाग जाओ सीना, लो कांड हो गया सीना का। उल्टा कर कर के मार रहे भाई ये बिग शो यार, बहुत गंदा मार रहे हैं। बेल्ट बेल्ट को कुछ नहीं करना, बेल्ट लेके भाग तो नहीं जाएंगे यार। बेल्ट बार बार दिखा रहा है, मुझे डर लग रहा है क्योंकि ट्रिपल एच का बेल्ट तोड़ दिया था। सीना की हेल्प करने कोई नहीं आएगा। चॉक स्लैम, हालत खराब कर दी बिग शो ने, झूठ नहीं बोलूंगा। और अब क्या कर रहे हैं, बेल्ट ले जा रहे हैं क्या अपने साथ? अच्छा क्या हुआ, ये भी तोड़ने वाले हैं, ये भी तोड़ने वाले बेल्ट। अरे रे रे रे, सीना के सामने भाई ये टाइटल को कैसे तोड़ेगा आदमी? देखिए टूटा क्या, टूटा हो तो नहीं लग रहा है। टाइटल पे वार किया है, ECW चलो यार, मैं तो बोलता हूँ ट्रिपल एच को लो और ECW चलो। अभी किससे खेलना है, जॉन सीना या ट्रिपल एच? सीना 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 के साथ खेलना है, दोनों का टाइटल तोड़ा है। मैं तो बोलता हूँ भाई चलो, एकदम मजा आ जाएगा। ECW में घुस के सबको मारते हैं। ECW में आ गया, अरे वाह, और क्या चाहिए यार। दोनों आ गए ECW में। ECW, we have to hand it to you. लेके आओ जितने प्लेयर्स हैं। Nobody on Raw or SmackDown has been able to do to us. You came to our shows. Beat us up and destroyed our title तक तोड़ दिया यार, सबसे बुरी बात यही है। I'm no scientist, but I think the formula goes: for every action, there's an equal and opposite reaction. That's why we're here, to prove Sir Isaac Newton right. Now, लेके आओ भाई कितने आदमी ECW में। Talk about what we're gonna do to you, Big Show. Or you could just get your big ass out here and भाई ECW के मुझे लगता है कि सारे सुपरस्टार्स आने वाले हैं। आ जाओ भाई बिग शो, इंतजार कर ही रहा था। ECW चैंपियन, मेबी यू टू डोंट रियलाइज बट देयर्स अ ब्रांड वॉर गोइंग ऑन। मिस्टर मैकमैन वांटेड कंपटीशन, वेल ही गॉट इट एंड वी फायर्ड द फर्स्ट शॉट्स। ब्रांड वॉरफेयर हो रहा है भाई यहाँ पे। यू मेड ECW आउट टू बी वर्थलेस, सो वी मेड योर टाइटल्स वर्थलेस। ECW को भाई वॉरफेयर में नहीं रखा था, इसलिए इन लोग ने आके टाइटल ही तोड़ दिया डायरेक्ट। फॉर व्हाट, To start something you can't finish, you boys are outgunned. Allow me to demonstrate. अच्छा, सारे सुपरस्टार लोग को लेके आएंगे लगते हैं ECW के, या एक-एक करके आएंगे पता नहीं कैसे। जो भी, send ECW's enforcer back to the locker room. पीट पीट के सबको वापस भेजना है। जॉन सीना एंड ट्रिपल एच वर्सेस ECW, मां का सब भाई डेंजर होने वाला है। अरे ट्रिपल एच स्टाइल मत मारो यार, रिंग को घेर के रखो, किसी को आने मत देना। एक एक करके सब आ रहे, मार्क हेनरी मार मार के सबको वापस भेजना है लॉकर रूम। लो भाई वॉर चाहिए था, वॉर मिल गया। अरे ट्रिपल एच खड़े होके देख रहे हैं, अरे वो टाइम पास। ट्रिपल एच सॉरी गलती से मार दिया, तो टाइम पास मत करो ट्रिपल एच यार, मारो ना सबको, क्या कर रहे हो टाइम पास। हाँ ट्रिपल एच लगे रहो, अभी तीन नहीं अभी और आएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। लेटे रहो ट्रिपल एच को बचाओ यार, क्योंकि एक ही मेरा टैग टीम पार्टनर है, चार चार पांच पांच आदमी घेर के मारेंगे मेरे को। अरे ओ ट्रिपल एच क्या टाइम पास कर रहे हो, मारो ना भाई। ट्रिपल एच पिटाए जा रहे हैं, हाँ ठीक है गुड, लेट जाओ। देखिए मैट हार्डी क्या कर रहे हैं, मैट हार्डी गलत वॉरफेयर में आप ज्वाइन हो गए यार, रॉ में रहना चाहिए था। हाँ अब तो देखो, अरे सिग्नेचर देने जा रहा था यार, सिग्नेचर देता ना मुझे लगता है एक आदमी निपट जाते हैं। ये लोग की ज्यादा हेल्थ होगी नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, या पता नहीं होगी, क्या पता यार, मेरे को आइडिया नहीं है। पर इस टाइप का मैच जब भी होता है तो ज्यादा हेल्थ नहीं रहती है बाकी सबकी, जो अपोनेंट्स लोग रहते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा हैं, अपन बहुत कम है। अरे कितना सिग्नेचर बचाए जा रहे हैं यार ये मैट हार्डी।
डिलीट कर देंगे क्या मुझे यहां से? ट्रिपल एच, हाँ एक आदमी तो निकल गया, चावो जा वापस आना नहीं यहाँ। ट्रिपल एच मारो ना भाई, क्या करो? ओ मैट हार्डी भी चले गए, इन लोग पंगा लेते हैं। ट्रिपल एच यार प्लीज बेइज्जती मत करवाना यार रॉ स्मैकडाउन की। फिलहाल तो अभी स्मैकडाउन को दोस्त बनाया हुआ है। हाँ मिल के मारो ट्रिपल एच, पिटाना नहीं सर, वाट लगा दो ईसी डब्ल्यू की। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई ट्रिपल एच, सॉरी, दिल पे मत लेना। ट्रिपल एच रास्ते में मत आओ यार, ठीक है, बच के रहना। अरे मार कर रहे लोग कुछ ज्यादा नहीं, दो आदमी लोग चले गए, ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? मार्क हेनरी खड़े होके क्या तमाशा देख रहे हो? ट्रिपल एच हारना नहीं, पीट दो। सीना का ना यार, सिग्नेचर में मैं फंस जाता हूँ, रिंग के इधर खींच के लाओ उसके बाद ही दे सकता हूँ। अच्छा सिग्नेचर देने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि मार्क हेनरी का भी काम हो गया है, बस यही बच गया है। अच्छा बदला ले लिया ट्रिपल एच, यू कैन सी मी जैक। चलो मार्क टाटा और इनको ही भेजो लॉकर रूम, और कोई है? अच्छा ये अभी भी बचे हैं भाई साहब, ठीक है फिनिशर दे के इनको घर भेजते हैं, ठीक है ना ट्रिपल एच दोस्त। और भी कोई है कि इनको पीट पीट के इन्हीं का हालत खराब करना है? देख लो भाई ECW की पब्लिक, रॉ स्मैकडाउन भाई, NXT में यही ना हुआ था, NXT के लोग आके भाई रॉ और स्मैकडाउन में सबकी कुटाई कर दी थी, ये अभी ECW ये वाला काम कर रहे हैं। अच्छा इनको मारने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो अब क्या करना है? ओह जैक उठ के जाना भाई, जैक पे मैं अटैक नहीं कर सकता हूँ, हाँ नहीं कर सकता भाई, अब उठने का वेट करना होगा, कब ये आदमी उठ के जाएगा फिर आगे कुछ होगा। अरे भाई उठ के जाना, सो गया क्या? हाँ अब जाके कहानी आगे बढ़ेगी, जा भाई टाटा। पता नहीं आग सो गया यार रिंग के अंदर, इतना मैंने क्यों मार दिया इसको बेचारे को। चलो ठीक है देखते हैं, भिक्षु और आदमी है क्या? और है क्या? दौड़ा के मारो मैं तो बोलता हूँ, हाँ एक नंबर भाई, बैक से जाएंगे ना तो अच्छा अच्छा सामान भी मिलेगा। क्या करना क्या है रिंग ना भाई? हाँ बढ़िया, पूरा रिंग विंग तोड़ दो। चलो ठीक है, ये हुई दोस्ती भाई, ECW का रिंग फाड़ दिया है। चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो किया यार, टाइटल तो वो लेके भाग गए, जॉन सीना और ट्रिपल एच दोनों का टाइटल तोड़ दिया यार, दोनों बिना चैंपियनशिप के आ रहे हैं। अब शुरू हुआ है असली वॉर, ठीक है अब यहां से शुरू हो रही भाई असली कहानी। बटिस्टा किसको मार रहे हैं? मिस को। सीना may have been handling issues with ECW recently, but the animal Batista has worked his way up to become number one contender. बटिस्टा नंबर वन कंटेंडर बन गया है। सीना वर्सेस बटिस्टा होगा। नो वे आउट में। पर आज मेरे टैग टीम पार्टनर बने रहेंगे। चलो ठीक है, कम से कम चैंपियनशिप का मैच तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास चैंपियनशिप है ही नहीं, तो चैंपियनशिप का मैच कहां से होगा? फोन भी आ रहा है, इसका फोन है। अरे जेरिको पीछे पड़े रहेंगे। बेइज्जती कर रहे हैं यार, बोल रहे कि तुम्हारे वजह से टाइटल टूटा है, कैसे चैंपियन हो? अब मेरे पास पता नहीं सीना चैंपियनशिप लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, चलो देखते हैं भाई। अभी टैग टीम मैच होगा तो पता चल ही जाएगा, क्रिस जेरिको और केन के साथ टैग टीम मैच हो रहा है। बटिस्टा बन के मैं खेलूंगा यार, क्योंकि जॉन सीना तो बन के खेलता ही, बटिस्टा बन के खेला जाए। जेरिको आ रहे हैं ना, आन दो भाई, ये अभी भी पीछे पड़े ही हुए हैं, इनको लगता है फिर चाहिए। कितना बार चैंपियनशिप का मैच चाहिए यार, केन से भी डिफेंड किया था, जेरिको से भी डिफेंड किया, बटिस्टा से भी डिफेंड करना है। And his partner. अब आदमी ब्रांड वॉरफेयर पे ध्यान दे या हर दिन टाइटल मैच और उस पे ध्यान दे। देखो बटिस्टा कैसे हैं, आ जाओ भाई। अच्छा छोटे स्क्रीन में भी बटिस्टा ही की मूवी बन रही थी, कमेंटेटर लोग स्क्रीन में, वीडियो पीछे करके देखना यार क्या डिटेल बनाते थे स्मैकडाउन वर्सेस रॉ की गेम में, बहुत अच्छी डिटेल बनाते थे यार ये लोग, अच्छा बनाया बटिस्टा को। बुम 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 बुम,
चलो भाई एनिमल भी आ चुके हैं, सीना पता नहीं टाइटल लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, चलो देखते हैं। टाइटल तो भाई टूट गया था, टूटा हुआ टाइटल लेके आएंगे क्या, यही तो देखना है। सीना है कहाँ? नो चैंपियनशिप भाई, नो चैंपियनशिप भाई, बिना चैंपियनशिप क्या आ रहे हैं यार सीना। और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी नहीं बोला यार, चैंपियन हूँ कम से कम बोल तो देना चाहिए था यार। यानी कि ट्रिपल एच भी बिना टाइटल के आने वाले, ट्रिपल एच का तो और बुरी तरह से एकदम चूर चूर कर दिया था। बटिस्टा से भी खेलना मेरे को, पहले पर थोड़ा सा मार देता हूँ जेरिको को, उसके बाद बटिस्टा बनूंगा डायरेक्ट। बटिस्टा टैग दे रहा हूँ, टैग दे रहा हूँ, टेंशन मत लो सर। ऐसे भी आगे जाके अपोनेंट बनने वाले हैं, गेम को लग गया, अच्छा ही है। सीना रॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए जेरिको यार, मदद करनी चाहिए वॉरफेयर में, रॉ को जिताना है तो। बटिस्टा टैग ले लो सर, चलो अपने साथ एनिमल है, टेंशन की क्या बात है। जेरिको डाउन, अरे एक पंच मार के भागेंगे, अरे भगोड़े आदमी, अच्छा खासा मार रहा था, अब केन आए रिवर्सल ले लेके। केन जब से आए तब से मारे ही जा रहे हैं यार केन, नहीं सर क्या सोच रहे हो, हट। अरे जेरिको को अंदर नहीं लाना था, केन को मारना है, ठीक है। सिग्नेचर आ गया है, दौड़ के स्पीयर ही देना, अरे रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया। सिग्नेचर फिनिशर इसमें कुछ ज्यादा ही रिवर्स करते हैं ये लोग, फिर रिवर्स कर दिया, सिग्नेचर ही देने की कोशिश कर रहा था और मेरा सिग्नेचर छीन लिया है, वाह। अरे केन सर कुछ ज्यादा ही रिवर्सल नहीं आपके पास, कितना कर रहे हो, ऐसे करता है क्या कोई, ये लो स्टाइल मारना पड़ेगा। एक आध लात मारता हूँ भाई, सिग्नेचर आ जाएगा, हाँ ये रहा स्पीयर, और अब खत्म करने का टाइम आ गया है मैटर। आई सर बूम, सीना क्रिस जेरिको को गिराओ जाके, छीन लिया मेरा फिनिशर यार। केन तो अलग हालत खराब करके रखे, फिनिशर सिग्नेचर इन लोगों को छीनने में इतना मजा आता है ना, अच्छा खासा भी मैच को खत्म कर देते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीना, ये वो ना टैग टीम पार्टनर। और बटिस्टा बॉम्ब दे दे, खत्म करते हैं, चलो ठीक है स्टाइल मारते रहो अपना साइड से। केन को जेरिको से बहुत ज्यादा रिवर्स कर रहे हैं यार, केन केन ओपी कर लो भाई। चलिए सर छोड़िए, तो लगता है सीना को बुलाना ही होगा। एक फिनिशर आ जाए ना, ये सिग्नेचर से ही मुझे लगता है पिनफॉल हो जाएगा, बस जेरिको छुड़ाने ना आए। सीना टैग लो, तो केन के पास आ चुका है फिनिशर, ठीक है कोई बात नहीं, ये लीजिए सर। केन ने रिवर्स कर दिया, अच्छा खासा मार रहा था, केन से संभाल ही के रहना है, केन के पास फिनिशर है, हाँ चलो खत्म हो गया फिनिशर। बटिस्टा को टैग दूंगा, टेंशन मत लो भाई, बटिस्टा बॉम्ब हम लोग देख के रहेंगे आज। रेफरी को क्यों मारा यार, रेफरी बस मौका ढूंढते रहता है डिस्क्वालीफाई करने का। गिरना मत रेफरी, खड़ा हो जा भाई, गलती से मारा भाई, डिस्क्वालीफाई नहीं करना प्लीज। हाँ ठीक है गलती से मारा है, ठीक है आगे आगे से नहीं मारूंगा, वो इनविजिबल रेफरी। सिग्नेचर आ चुका है मेरे पास, आई सर। अरे केन बस ऐसे ऐसे देखते हो ना, डर लग जाता है मुझे। फिनिशर भी आ गया इनके पास, पक्का चौक स्लैम दे रहे, और रे रे रे। हीच की चौक स्लैम दिया है भाई, बटिस्टा बचा लोगे,
कि मुझे खुद से छुड़ाना होगा। चलो ऐसे मैंने छुड़ा ही लिया था, बटीसा पर थोड़ा जल्दी आया करो। केन ने हालत खराब कर दी, पता है फिनिशर सिग्नेचर छीनने में एक्सपर्ट है केन। इससे अच्छा तो जेरिको थे यार, पिटे जा रहे थे चुपचाप से। चलो सिग्नेचर तो आया फाइनली, सीना का सिग्नेचर में मैं फंस जाता हूँ। यू कैन सी मी केन, फिनिशर खा लेना सर चुपचाप से। जेरिको को बाहर गिराओ, हाँ चलना। अरे बड़ी सब बहुत टाइम ले रहे हैं, बटिस्टा फिनिशर चला जाएगा भाई, सॉरी बटिस्टा। खत्म करते हैं मैच, बटिस्टा गिरा दो जाके जेरिको को। हाँ हाँ रेफरी इधर इधर इधर, रेफरी इधर देख, पिन कर। बटिस्टा ने बहुत अच्छा साथ दिया, वरना ये लोग पिनफॉल हमेशा छुड़ाने आते ही रहते हैं। थैंक यू बटिस्टा, बटिस्टा ओपी। चल भाई देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बहुत अच्छा साथ दिया यार बटिस्टा ने। नो वे आउट में अब बटिस्टा के साथ ही मैच होने वाला है। नो वे आउट फाइनल स्टॉप है भाई रेसलमेनिया से पहले, उसके बाद मुझे लगता है कि अब डायरेक्ट रेसलमेनिया ही है। अभी तो भाई भाई दोनों ऐसे घूम रहे, लग रहा है कितने टाइम से टैग टीम पार्टनर है। देख रहे हो भाई, ओहो दोस्ती वायर। चलो ठीक है आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और भाई जिसने लाइक नहीं किया अभी तक एकदम फटाफट लाइक करो, नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दो। स्मैकडाउन शुरू हो गया है। चलो ठीक, ट्रिपल एच भी बिना चैंपियनशिप ही के आने वाले हैं। जेफ हार्डी के साथ मैच होने वाला है। अच्छा जेफ के साथ मैच होगा। जेफ हार्डी के साथ मैच होगा नो वे आउट में WWE चैंपियनशिप के लिए। टेबल्स मैच है, अच्छा ठीक है। लगता है टैग टीम मैच होगा, हाँ मुझे लग ही रहा था कि नो वे आउट में भाई मैच है जेफ हार्डी के साथ, तो आज रात उनके साथ मिलके टैग टीम मैच में फाइट करना पड़ेगा। चलो ये तो अच्छा ही है। फोन उठा लेते हैं, किसका फोन आ रहा है देखें। MVP You're lucky I didn't have any respect for you to begin with, or I would have lost it all right then. वाह, सब बेइज्जती करते चल रहे हैं भाई, क्योंकि टाइटल टूट गया उसकी वजह से। बताओ यार, इज्जत ही नहीं रही है। ट्रिपल एच भी बिना चैंपियनशिप के आएंगे, जेफ हार्डी के साथ मिलके टैग टीम मैच में फाइट करना है MVP और ब्रायन केंड्रिक के साथ, ठीक है। उसके बाद जस्ट नो वे आउट है, उसके बाद चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होने जा रहा है रेसलमेनिया में। आ जाओ MVP यार, बहुत बोल रहे थे, इनकी भी कुटाई कर ही दी जाए। जेफ हार्डी मेरे टैग टीम पार्टनर रहेंगे इस मैच के अंदर। पूरा डांस कर लिया ना, आ जाओ भाई जेफ हार्डी, जल्दी आओ सर। जेफ हार्डी को देखें कैसे बनाया। अच्छा इनको तो लास्ट टाइम लास्ट एपिसोड में देख ही चुके हैं। चलो बढ़िया है। और ट्रिपल एच भी बिना चैंपियनशिप के आएंगे यार, बेइज्जती करवा दी यार ECW ने यार, टाइटल तोड़ के चले गए, बिना चैंपियनशिप के घूम रहे हैं ये लोग। पर मुझे लगता है कि रेसलमेनिया तक चैंपियनशिप का जुगाड़ हो जाएगा। हाँ ये देखो बेचारे टाइटल के बिना आ रहे हैं WWE चैंपियन। पता है सीना के ऊपर WWE चैंपियनशिप ज़्यादा अच्छी लगती है, और ट्रिपल एच के ऊपर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ज़्यादा अच्छी लगती है, पर ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। रॉ में होनी चाहिए थी WWE चैंपियनशिप और स्मैकडाउन में वर्ल्ड हेवीवेट। चलो भाई जेफ हार्डी बना हूँ फिलहाल मैं, जेफ हार्डी के मूव्स मुझे अच्छे लगे। लेटा के टेकडाउन पंचेस मुंह में खाओ। अरे MVP भी चिल्ला रही पब्लिक यार, MVP का डिमांड है। अरे अरे सॉरी यार, रेफरी को क्यों लग जाता है यार मैच के बीच में, इतना ही मैं कूदता हूं ना इधर से उधर। अरे MVP को छोड़ के सबको लग गया। Look out. What
अरे जितना जल्दी रिंग के ऊपर चढ़ा था उतना जल्दी उतार दिया ब्रायन ने। तेरे को तो नहीं आना चाहिए था, पता है? फिनिशर लेके आया, वाह यार, फिनिशर दे दिया। हाँ हाँ, बहुत बड़ा काम कर दिया भाई, फिनिशर देगी स्टार्टिंग में। हट, फिनिशर देगा, ये ले। बड़ा फिनिशर देने आया था। अच्छा, फंसा के पिनफॉल भी करवा लेते हैं। वाह यार, जेफ हार्डी की भी स्टोरी है कि नहीं इसके अंदर? मैं स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2010 में अभी और बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि हम लोग इसको खत्म करने के बाद खेलेंगे। एज की भी है, माई प्लेयर की भी स्टोरी मोड है, और मिकी जेम्स की और भी किसी की है, एक रैंडी ऑर्टन की है जहां तक मुझे याद आ रहा है। चलो भाई, रिवर्स कर दिया। अरे फंसा के पिनफॉल नहीं हो रहा है यार, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? पहले मार तो ले भाई। हट, थोड़ा स्टाइल मार लिया जाए। रिवर्स किया ब्रैंड ने, कुछ ज्यादा रिवर्स कर रहा है। ट्रिपल एच क्या कर रहे हो यार? सिग्नेचर आ गया है, चलो ठीक है। पिनफॉल नहीं कराना, पिनफॉल नहीं कराना, अभी पिनफॉल कराने की जरूरत नहीं है, अभी पिनफॉल होगा भी नहीं। सिग्नेचर ट्विस्ट ऑफ फेट नहीं है सिग्नेचर। ये भाग गया नीचे, बड़ा चालू है यार ये। ब्रायन ऊपर आ, ओए ऊपर नहीं आएगा ये ले। अरे रे रे रे, मैं नीचे जा रहा था। रेफरी सॉरी यार, रेफरी गलती हो जाती है भाई कभी कभी। लेटर है सोन टॉम बम होना। अरे रे यार, फिनिशर चला गया, धत तेरी की। तो लगता है गेम को बुलाना ही होगा। चालू आदमी ने टैग, अरे अरे ट्रिपल एच वहां क्यों चले गए यार? टैग देने आ रहा था मैं। क्या आदमी है ट्रिपल एच, वहीं रहो, कूट दो जाके एमवीपी को। बोल रहे थे कि चैंपियनशिप छीन लेना चाहिए इनसे क्योंकि ईसीडब्ल्यू से बेइज्जती करवाई है। ट्रिपल एच के बारे में बोलते हो, ये ले। लगा नहीं नी, हाँ ठीक है। सिग्नेचर आ गया, बस 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 काम हो गया भाई का। ये ले जेफ हार्डी, कांड कर दो भाई, बहुत बढ़िया। जेफ हार्डी सामने सड़ जाओ, पिनफॉल कराने जा रहे भाई। खत्म करो मैच। अरे रे रे रे, अच्छा कोई बात नहीं, दो फिनिशर्स और चमक रहे थे मेरे पास। जेफ हार्डी थोड़ा जल्दी 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 दे दो भाई फिनिशिंग, खत्म करो। जेफ हार्डी ब्रायन केंड्रिक को संभालो जाके। अरे यार गलत करता है ये आदमी, छीन लिया फिनिशर, अब खत्म हो जाता है। एक टाइम पे रहता है यार, ये चीज बहुत गलत देता है गेम के अंदर। अरे टैप आउट नहीं करेगा भाई, फिनिशर चला जाता है अगर तुरंत नहीं दिया तो, मतलब अपने हिसाब से आप नहीं दे सकते हो जब आपको सही लगे। अगर एबिलिटी से भी फिनिशर आप लेते होगे उसका भी एक टाइम रहता है जो कि बहुत कम टाइम रहता है, यानी कि आपको देना ही है जल्दी किसी भी हाल में। एमवीपी आ जाओ भाई, नो वे आउट आने वाला है, चुपचाप से भी खा लेना सिग्नेचर। चलो टाटा करवाने के लिए तैयार रहो, ऐसे ही रहना। सिग्नेचर छीन लिया मनहूस ने, एमवीपी यार क्या आदमी हो भाई, मजा आया। खौ फिनिशर, चलो अच्छा ही है, इस बार रिंग के बीचों बीच दिया है भाई फिनिशर, पिनफॉल आराम से करवा सकते हैं। रेफरी कर पिनफॉल कर, मनहूस ब्रायन केंड्रिक देख लिया ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि बटिस्टा ने बहुत अच्छा साथ दिया था भाई। बटिस्टा ने पूरा रोक के रखा हुआ था केन को, या पता नहीं जिसका भी पिनफॉल नहीं करवाया था उसको।
showboat. Jeff, आजा भाई. There's the tag. That's the way to do it. Triple H मेरे को लगता है भाई इसको संभाल लेंगे. Pinfall कर. He's making a cover. Three नहीं होने दिया. अच्छा. सिग्नेचर आ चुका है. लो भाई साहब गिरे नहीं. रेफरी तू आता क्यों है यार सामने. रेफरी को रेफरी का पिनफॉल करवा रहा है. अरे रे रेफरी का पिनफॉल नहीं करवाना था जेफ. जज्बाती हो गए जेफ हार्डी. लेटे रहो तो सॉन्टम बम के लिए मैं जा रहा हूं. अरे अरे हाँ ठीक है ना. रेफरी जोश में क्या आता है. लो भाई पिनफॉल. रेफरी अरे पिनफॉल करवा रहा था यार. क्या किया जेफ ने. छोड़ दो यार. ये पिनफॉल का एक तो बटन ऐसा देता है ना उसके चक्कर में सबमिशन दे देता है. चल भाई पिन कर. अरे मनहूस ब्रायन केंड्रिक कभी पिनफॉल नहीं होने देगा. ट्रिपल एच क्या कर रहे हो. जब पिनफॉल कराने जाते हो तब रोकना चाहिए ना. ने जुगाड़ लगा लगा कि फंसा फंसा के पिनफॉल करा रहा हूं भाई. ट्रिपल एच तैयार रहना ठीक है. इस बार सिग्नेचर ही में भाई पिनफॉल करवा लूंगा. रेफरी आजा. अरे मनहूस. खत्म करो. खींच के लाना होगा यार. अरे पिनफॉल करना है. रेफरी पिनफॉल कर. ब्रायन केंड्रिक को रोक लेना. अरे मनहूस ब्रायन केंड्रिक. इतना मार खाने के बाद भी ये आदमी बचा हुआ है ब्रायन केंड्रिक की वजह से. ट्रिपल एच क्या टाइम पास कर रहे हो यार. रोकना चाहिए ना. मतलब ब्रायन केंड्रिक को भी मैं ही रुकूंगा क्या. ट्रिपल एच रोक लेना भाई इस बार. एमवीपी. ओ एमवीपी चला नहीं जा रहा है भाई से. पर नखरे कम नहीं हो रहे. रुको बताता हूं. हिचके लो तो इनको ऐसा कॉर्नर में ले जाके पिनफॉल करूंगा ना भाई. बचाने आता रह जाएगा. सिग्नेचर रिवर्स कर दिया. मनहूस एमवीपी. इतना सिग्नेचर फिनिशर देने का फायदा क्या. हाँ ट्रिपल एच खींच के लो. 5-6 किलोमीटर दूर ले जाओ. रेफरी पिन कर दे यार थोड़ा जल्दी. ओ मनहूस पनौती कहीं का ब्रायन केंड्रिक यार. ठीक है एक और बार ट्राई करते हैं. इस बार फिनिशर. अरे अरे फिनिशर दे देना चाहिए था. Hardy needs to be careful. If he sustains too much damage, it could impact his odds. जेफ क्या कर रहा भाई. अच्छा ठीक ही है. ब्रायन केंड्रिक को आने दो. एमवीपी इतना पिट गया ना कि इनके पास ज्यादा टाइम ऐसे एक बार ये गिरेंगे ना. ओ तू वो हीरो. ट्रिपल एच को मार दिया. ट्रिपल एच ज्यादा जोश नहीं. अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं. एमवीपी गिरेंगे ना तो वो लंबे टाइम के लिए गिरे रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज हो गया. अच्छा ही ये आ गया. इसका पिनफॉल आसानी से हो जाएगा. टैग टीम मैच में ये लोग ऐसे ही कभी कभी पागल होते हैं. बताया आजा भाई. बड़ा आ रहा था पिनफॉल छुड़ाने के लिए. अब तेरा कौन छुड़ाएगा. हाँ भाई ट्विस्ट ऑफ फेट. रेफरी पिन कर. एमवीपी नहीं आएंगे. 1-2. अरे 3 तो हो गया था. रेफरी अंधा है क्या तू. पहले 3 हो गया था यार. रेफरी बिका हुआ है.
मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, रेफरी के साथ कुछ गड़बड़ है। रेफरी तीन करवा लिया था, ठीक है, साइड से डील की भी है क्या इन लोग के साथ? एमवीपी घुसे तो उसी टाइम तीन हो गया था। रेफरी मनहूस, कर देना चाहिए था यार पिनफॉल। यार रेफरी को मार क्या दिया, तो गुस्सा में आ गया रेफरी। ये तो भाई या तो ट्रिपल एच जो गिरा दो एमवीपी को, उठने मत देना उसको, इसको मैं देख लेता हूँ। अरे इसने तो मेरा पिनफॉल करवा लिया। हाँ बड़ा तेज है तू ही, ये ले आ जा भाई फिनिशर खाने के लिए तैयार। ट्रिपल एच प्लीज भाई, ऐसा गिराना ना आ नहीं पाए एमवीपी। हाँ बहुत बढ़िया गिराया भाई। रेफरी पिन कर, रेफरी बिका हुआ है, लिख के दे रहा हूँ वन। फाइनली फिर आ गए थे एमवीपी रोकने के लिए, बिका हुआ रेफरी ओपी। यार मनहूस रोके जा रहा था यार कंटिन्यूअसली। चलो ठीक है, देखते हैं रोड टू रेसलमेनिया के और करीब पहुंच गए हम लोग। Both superstars got a check in the win column tonight, but only one will leave. Jeff Hardy ने पिनफॉल करवाया ना। लड़ मत जाना आपस में, हाँ मुझे लगता है टकरा बकरा जाएंगे। हाँ देखा, पर अभी 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 लड़ना मत, अभी नो वे आउट में ये सब करेंगे। हाँ इन लोगों का ठीक है यार, बटिस्टा और सीना को ज्यादा ही दोस्त नजर आ रहे थे। जेफ हार्डी जरूर मार के जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। हाथ 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 मिलाएंगे, अच्छा मिला लिया, वाह सही है। आ आ आ आ अच्छा बहस हो ही गई आपस में। चलो ये अच्छा था, नो वे आउट आने वाला है भाई लोग। सीना बस कुछ करना है क्या? चलो दबा दिया, क्या हुआ पता नहीं, तीन चार बटन्स तो मैंने दबाए भी नहीं। ट्रिपल एच ने पेडिग्री दे दिया, अगर नहीं दबाता तो ये नहीं होता। ओ जेफ हार्डी ने क्वांटम बम दे दिया, नहीं सॉरी ट्विस्ट ऑफ फेट दे दिया। अचानक से भाई बटन दबाने का ऑप्शन आ गया, मैं देख भी नहीं रहा था। डेंजर टू डिटरमिन हु विल गो टू रेसलमेनिया एंड कंपीट टू बिकम चैंपियन ऑफ चैंपियंस। नो वे आउट में अब जो चैंपियन बन के रह जाएगा वही जाएगा चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में रेसलमेनिया में। अब ये मतलब फाइनल है, इसके बाद डिसाइड हो जाएगा कौन से दो चैंपियन जाने वाले हैं, दो या तीन पता नहीं यार। बिग शो जबरदस्ती का घुस गए मैच के अंदर, नो वे आउट हो रहा है। बटिस्टा स्पीयर दे रहे भाई केन को, डेंजर। जॉन सीना वर्सेस बटिस्टा, टेबल्स, अरे टेबल्स मैच होने वाला है यार, ट्रिपल एच वर्सेस जेफ हार्डी। चलो भाई दोनों मैच होने वाला है, जॉन सीना वर्सेस बटिस्टा और ट्रिपल एच वर्सेस जेफ हार्डी टेबल्स मैच है। तो भाई चलो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और इसी गेम प्ले को भाई कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, और मुझे लगता है कि इसके बाद वाला एपिसोड में भाई गेम प्ले ये रोड टू रेसलमेनिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक महीना बच गया है रेसलमेनिया में, 28 दिन बचा है भाई। तो चलो गुड बाय, ख्याल रखो सबको, सेफ रहो अच्छे से रहो, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।